देश में एकता, अखंडता, सद्भावना, भाईचारा कायम रखने कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से लोगों को कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों की बात कर प्रदेश की भूपेश सरकार पर दोबारा भरोसा करने की अपील कांग्रेस जनों द्वारा वार्डों में घूम कर की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के निर्देश पर सुपेला कोसा नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वार्ड 11 फरीदनगर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम जनता को जोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी के उद्देश्य के साथ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के समाज कल्याण के कार्यों को वार्ड में घूम घूम कर बताया। मकसद अगर आप पूछेंगे तो भूपेश बघेल, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो 4 साल जो हमारे कार्य किए हैं गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य में जो भी कार्य किए हैं, वो हाथ से हाथ जोड़ो के माध्यम से हम वार्ड के, अपने वार्ड के हर मतदाता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा मेन मकसद है कि भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा विकास कार्य, उन्नति के कार्य जो भी किए गए हैं, हम हर वार्ड में हर मतदाता के पास उनके किए गए कार्यों को हर मतदाता तक पहुँचाएँ, ये हमारा विशेष कार्य। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वार्ड 11 में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका समर्थन भरपूर जनता दे रही है। जिस प्रकार से बीजेपी का शासन में देश में अफरा तफरी और भाईचारा खत्म हो रहा है, लूट मचा हुआ है, निश्चित तौर पे उस पर ये मुँह तोड़ जवाब होगा हाथ से हाथ जोड़ो। और दूसरी चीज़, आज ही जो बजट पेश हुआ है उसी में देख लीजिए कि देश की जनता के साथ कितना बड़ा छलावा किया गया है, धोखा दिया गया है, लेकिन कुछ अंधभक्तों की वजह से उसको बेहतरीन बताया जा रहा है, लेकिन वास्तव में देश को बर्बाद करके लूटा गया है और उसको सही ढंग से पेश कर रहे हैं लोग, जिसका हम निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा सच और अच्छाई के साथ है। हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम चल रहा है देश भर में, निश्चित तौर पे 2023 में भी हम प्रदेश में सरकार बना लेंगे और 2024 में भी मोदी सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी और लोगों का समर्थन प्यार मिल रहा है, इन्हीं बातों के साथ जाएगी। क्योंकि हाथ जोड़ो, हाँ, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा माननीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महामंत्री हमारे राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो अभियान को उन्होंने चलाया, उसके बाद आपने देखा जिस तरह से पूरे देश में रिस्पांस मिला, आज उसी तरह उन्हें के दूसरा पार्ट है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है। हम लोग राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन पर चलते हुए पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय मोहन मरकाम जी, हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज पूरा जिस तरह से माननीय भूपेश बघेल जी ने पूरे देश के लिए या प्रदेश में एक छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में राष्ट्र में एक नया आयाम उन्होंने रचा है। आज छत्तीसगढ़ मॉडल दूसरे प्रदेशों में लोहा मान रही है। तो इस तरह हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हम लोग सबके घर जा रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में काम जो काम होना चाहिए, चाहे आवास का मामला हो चाहे अन्य मामलों में, आपने देखा है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार किया है, चाहे उनकी बजट की बात हो चाहे कहीं भी। जब तक केंद्र सरकार यदि बजट नहीं देगी तो राज्य सरकार की स्थिति आप समझ सकते हो। तो उन्होंने जिस तरह से, लेकिन फिर भी इतने इस परेशानी के बावजूद भूपेश बघेल की सरकार ने जिस तरह से राज्य की सरकार को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसमें हर विषय पर उन्होंने एक प्राइज कहना चाहिए केंद्र ने दिया है उनको, तो एक मानना चाहिए कि आज सरकार बहुत अच्छा चल रही है, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और जिस तरह उन्होंने मितानिन बहनों के लिए कही, चाहे आंगनबाड़ी सहायिका महिलाओं के लिए, हाट बाजार क्लिनिक से लेकर आपको देखे स्वस्थ सलाम योजना, गली गली में आपको स्वास्थ्य का, और जहाँ तक बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, पढ़ाई और शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, और दोनों विषय पर उन्होंने जिस तरह प्रदेश में काम किया, जिस तरह उन्होंने किसानों के ऊपर जिस तरह, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और कृषि प्रधान राज्य है, और जिस राज्य को किसान यदि मजबूत है उस राज्य कभी भी कमजोर नहीं हो सकता, इस बात को माननीय भूपेश बघेल जी ने चरितार्थ करते हुए किसानों, मजदूरों, बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह उन्होंने काम किया है, इस काम को हम घर घर बताएंगे और उसके आधार पे आने वाले समय में भी बहुत रिस्पांस हम लोगों को मिलेगा, इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। गौरतलब है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोसा नगर के अध्यक्ष नंद कुमार कश्यप, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के सुपेला कोसा नगर ब्लॉक पर्यवेक्षक तुलसी साहू, जय वर्मा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते रहे। वार्ड के छाया पार्षद शमशेर सिद्दीकी के कार्यालय ईदगाह चौक से अभियान को प्रारंभ किया गया, जो वार्ड की प्रमुख गलियों में घूम घूम कर कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में बात करते हुए राज्य सरकार के कार्यों की सराहना दिल से करते हुए लोगों को जानकारियां दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज।